ओके, सो एक ट्रायंगल क्या होती है? एक ट्रायंगल थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनती है। अगर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं तो ट्रायंगल बनती है। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है? नॉन कोलिनियर मतलब कि वो एक लाइन पे लाई नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल तीन पॉइंट्स है, ठीक है, और अगर वो सेम लाइन पे लाई करते हैं तो उसे हम बोलेंगे कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स। एंड अगर तीन पॉइंट्स है जो सेम एक सिर्फ एक लाइन पे लाई कर ही नहीं सकती, अगर मैं दो एक लाइन बनाऊंगा जिससे दो पॉइंट्स ही हमेशा होंगे एंड तीसरी पॉइंट उस पे आएगी नहीं, तो उसे हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अ पेयर ऑफ पॉइंट्स मतलब दो पॉइंट्स विल ऑलवेज बी कोलिनियर। अगर मैं सिर्फ दो पॉइंट बनाऊं तो वो हमेशा कोलिनियर होंगे, है ना। दो पॉइंट से एक लाइन जा सकती है, हमेशा ही जाएगी। ऐसा कोई सिनेरियो पॉसिबल नहीं है कि दो पॉइंट बनाओ जिससे एक लाइन ना जाए। तो दो पॉइंट से हमेशा एक लाइन जाएगी जाएगी, इसलिए टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। इट्स अबाउट थ्री पॉइंट्स कुड बी कोलिनियर और नॉन कोलिनियर एंड मोर देन टू पॉइंट्स, बेसिकली थ्री या फोर पॉइंट्स कुड बी कोलिनियर। फोर पॉइंट्स कोलिनियर मतलब क्या है? एक दो तीन चार, चारों एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। फाइव पॉइंट्स कैन बी कोलिनियर, सिक्स पॉइंट्स कैन बी कोलिनियर, बट टू पॉइंट्स विल ऑलवेज बी कोलिनियर। टू से ज्यादा होंगे तब हम बोल सकते हैं कोलिनियर या नॉन कोलिनियर, ठीक है। अच्छा, सर अगर टू ही है तो उसे क्या बोलते हैं? टू है तो हमेशा कोलिनियर होंगे। ओके सर। ओके चलो, अब हम देखते हैं, अगर मैं तीनों तीन पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, अगर मैं इन तीन पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है। एंड एक ट्रायंगल में हमने सीखा था कि अगर इन तीनों एंगल्स की इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ओके, एंगल यस सर। प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ये सबको याद होगा आई होप। ये सारे प्रॉपर्टीज यस याद रखना सर। इम्पोर्टेंट है, यस सर। इवन फ्रॉम अ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अगर एमसीक्यू का भी पेपर आता है, हम पूरे टाइम एंगल्स निकालते रह गए। मान लो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको पूछा है वाई, ठीक है, एंड देन ऑप्शंस दिए हुए कुछ, तो इफ यू डोंट नो यू वुड नॉट नो। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम दोनों चीजें करें। एमसीक्यू होना मतलब पेपर डिफिकल्ट हुआ, ये बात समझ जाओ, जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। एमसीक्यू होना मतलब पेपर आसान नहीं है, तुक्के लगा के नहीं आएंगे। अगर कॉन्सेप्ट हाँ, अब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैटर करेगी तो बहुत जरूरी है, क्वेश्चन रटने का कोई फायदा नहीं। अच्छा, ये बात समझ आ गई, ठीक है। ए बी सी कॉन्ग्रुएंसी, आप जब रिकॉर्डिंग देखोगे तो पता चल जाएगी आपको क्या होती है एग्जैक्टली, बट इन इन शॉर्ट मैं आपको दोबारा याद दिला दूं तो कॉन्ग्रुएंसी इज जब दो ट्रायंगल्स या फिर दो फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मीनिंग कि दो फिगर्स अगर एग्जैक्टली सेम है, रेप्लिका एक दूसरे के, कुछ भी डिफरेंट नहीं है दोनों में, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। क्लोन दो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दो ट्रायंगल्स बनाऊं, ठीक है, ट्रायंगल्स की बात करें तो ट्रायंगल्स की बात में ही लेते हैं, तो ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होगा? ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि इसके सारे एंगल्स एंड सारे साइड्स इक्वल है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट मतलब सारे एंगल्स सारे साइड इक्वल है, सारे ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है, सारे मीडियन इक्वल है, सेम जगह ऑर्थो सेंटर आता है, सेम जगह पे सब कुछ आता है, ठीक है। जगबीर बोलो क्या बोल रहे हो? सर, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है सर, घर से सर आपके। सर सर अच्छा ठीक है, बोलो। सर हाँ वही कह रहा हूँ, सारे साइड इक्वल होंगे, सारे साइड आपस में नहीं। ओ नो नो नो, इसका मतलब है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे, नॉट कि आपस में भी इक्वल है। मतलब ये ए यस बी सर, सी बट सिमिलर में तो इक्वल सर ये नहीं होता है, है सर, सिमिलर होना। सिमिलर में तो रेशियो होगी, तब सिमिलर में तो रेशियो होता सर ये होता है ना कि सर सर जो कॉरेस्पॉन्डिंग है। एक सेकंड साइड है सर, बोलो। उसका रेशियो वो हाँ, सेम उनका होना चाहिए रेशियो होता है, जैसे तब फॉर सर। एग्जांपल अगर मैं सिमिलर बनाऊं, सिमिलैरिटी सर यस में दिवांश क्या होगा? ए बी सी ट्रायंगल एंड पी क्यू आर ट्रायंगल है अगर, सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, सॉरी, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी। आरपी। ये होगा सिमिलैरिटी में कि रेशियोज इक्वल होंगे, बट कॉन्ग्रुएंसी में क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू पी क्यू कॉमा आर क्यू इज इक्वल टू सी बी कॉमा ए सी इज इक्वल टू पी आर। जब इक्वल हो तो क्या है? कॉन्ग्रुएंट। सर जो ये आपने अपॉन वाला कर रहा है, ए बी अपॉन पी क्यू सर, हाँ, ये मतलब ये वाला क्या है? सिमिलैरिटी? ये है ये सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी है। ओके सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी सर।
और वो कॉन्ग्रुएंट। वो कॉन्ग्रुएंट सर पर सिमिलैरिटी के सर ये भी नहीं होती कि सर एंगल भी सेम होना रेशियो चाहिए सर, शायद सर एंगल तो सेम सेम होना चाहिए, सर एंगल भी तो सेम होना चाहिए, होने एंगल चाहिए इसमें। एंगल नहीं होता सर इसमें। एंगल भी होता है बट डिफरेंट डिफरेंट सिमिलैरिटीज होती है, ठीक है, डिफरेंट ठीक है डिफरेंट सर। सिमिलैरिटीज होती है, अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा बोलो, एक सेकेंड। हाँ मतलब इसकी बात कर रहे हो, साइड्स में डिफरेंस है, मतलब फिगर टू स्केल, फिगर टू स्केल नॉट टू स्केल, मतलब मैं इतने अच्छी ड्राइंग नहीं कर रहा, हो सकता है अगर मैं ऐसे ट्रायंगल, मैथ्स में याद रखना इट्स मोर इम्पोर्टेंट जो आपको लिख के दिया हुआ है, अगर आपको पेपर में दो ऐसे ट्रायंगल बना के दे दिए, ठीक है, एंड आपको क्लियरली दिख रहा है एंड बोल दिया ये 90 है, आपको क्लियरली दिख रहा है 90 नहीं है, बट अगर क्वेश्चन में मेंशन है वो 90 है तो वो 90 है, ठीक है, बहुत ही क्लियर सी बात है, सिर्फ दिखने पे नहीं जाना है, दिखने पे इनफैक्ट जाना ही नहीं है, जो मेंशनड है पर्टिकुलरली उस पे जाना है, अगर मैं ऐसे और ऐसे बना दूं दिख रहा है 90 है बट अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप नहीं अज्यूम करोगे, ओके, तो जो मेंशनड है वही अज्यूम करेंगे। अच्छा बोलो दोनों के एंगल्स, हाँ नहीं नहीं सी देखो, अगर तीन साइड्स की बात करते हैं ये सिमिलैरिटी, बेसिकली अगर मैं बात करूं एस 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 कॉन्ग्रुएंसी पड़ी है, साइड इक्वल है ऐसा पक्का नहीं है, हाँ सर बट एस 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 कॉन्ग्रुएंसी भी होती है सिमिलैरिटी भी होती है। एक सेकंड क्या बोल रहे हो जगबीर सर, एस 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 सर बट एक वो भी होती है कॉन्ग्रुएंसी भी होती है और एक सिमिलैरिटी भी होती है सर, वो तो रेशियो नहीं होता, सिमिलैरिटी में रेशियो की बात करते हैं लेकिन। यस सर तो मतलब वही, यस हां कबीर का क्या डाउट है, कबीर कह रहा है कि अगर कॉन्ग्रुएंसी में साइड इक्वल होने से, ठीक है, साइड इक्वल होने से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं एंड एंगल्स इक्वल होने से कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव होते हैं, तो हम एंगल्स को कंसिडर ही क्यों करते हैं और कॉन्ग्रुएंसी में, है ना, यही यही क्वेश्चन है ना। द थिंग इज कि किसी भी कॉन्ग्रुएंसी में बिना साइड के एंगल्स को अज्यूम नहीं करते, अगर अगर आप कोई भी देखो कॉन्ग्रुएंसी सारी बोलते हैं क्या है, एस 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 है, ठीक है, और एस ए एस, एस ए एस है, और ए ए एस, ए एस ए है, और सुनेंगे कभी। अच्छा मुझे इसमें से कोई भी ऐसा बताओ जिसमें साइड ना हो, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है इसमें साइड ना हो, सब में साइड है, तो कॉन्ग्रुएंसी बिना साइड के तो हो ही नहीं सकती, तो एक साइड हो या तीन साइड हो उससे फर्क इससे नहीं पड़ता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी नाइन्थ में पढ़ी होगी, बच्चों ने पढ़ी होगी, यस सर यस सर, आप करते थे तो हम एक फिक्स लेंथ लेते थे मान लो 10 सेंटीमीटर एंड यहाँ से दो एंगल्स अगर डिटरमाइंड थी तो उससे हमेशा एक यूनिक ट्रायंगल बनता था, है ना, तो इससे मुझे पता चल रहा है ये आया ही कहाँ से कंस्ट्रक्शन, जो कभी आपको कराया नहीं होगा, प्रोबेबली नहीं कराया गया होगा, बट ये आया कहाँ से, एंगल साइड एंगल से ही तो आए, कि अगर एक एंगल साइड एंगल है तो उस टाइप का सिर्फ एक ही ट्रायंगल बन सकता है, सिमिलर ट्रायंगल मतलब क्या होता है, उस टाइप के बहुत ट्रायंगल्स बन सकते हैं, तो एंगल साइड एंगल एक साइड जैसे ही मैंने फिक्स करी, ठीक है, फिक्स साइड होते ही दो एंगल अगर मैं दे दूं तो ट्रायंगल मेरा फिक्स हो जाता है, इसके अलावा कोई ट्रायंगल नहीं बन सकता, ठीक है, डाउट क्लियर है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम याद है सबको, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है एक बार डिस्कस करते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम, अच्छा क्या कहता है कबीर सर, 6.1 वाला थ्योरम है, 6.1 सर, 6.1 है, इसके हिसाब से नहीं करेंगे हम ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स हम सारे टॉपिक्स के हिसाब से करेंगे, एक्सरसाइज के हिसाब से नहीं, ठीक है सर, लाइन वुड बी पैरेलल, ठीक है, अगर पैरेलल है तो मिड पॉइंट होगा, हाँ हाँ अच्छा मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, अगर मैं यहाँ इसका ए बी का मिड पॉइंट लू,
ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट लू एंड इससे मैं एक लाइन पास करूं जो कि पैरेलल टू बी सी हो, तो वो ए सी को उसके मिड पॉइंट पे टच करेगी। ठीक है, ठीक है, यही कहता है मिड पॉइंट थ्योरम, यही कहता है। उसका कन्वर्स वो कहता है कि अगर मैं दोनों के वापस समझा दो, हाँ अभी समझा रहा हूँ दोबारा, तो वो पैरेलल उसका कन्वर्स कहता है। एनीवेज मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है, मान लो ए बी का मिड पॉइंट पी है, ठीक है, अगर मैं एक लाइन बनाऊ पी क्यू सच दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, सो वो क्यू वुड बी द क्यू वुड बी मिड पॉइंट AC, ठीक है, ठीक है, ओके। पर सर अगर BA और AC दोनों इक्वल नहीं हुए एक साइड तो नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता, BA AC इक्वल नहीं होने चाहिए उसके लिए, इस थ्योरम के लिए ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि BA और AC इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये थ्योरम okay, याद रहेगा, लिखो। यस सर, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मैंने पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा सर, है फिर ए पी सर, ये कुछ ऐसा नहीं था कि सर सर ये दोनों को सर सर सेम रेशियो में सर... वो बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है वो बीपीटी। अच्छा वो अलग है सर, बट वो ऐसी है थोड़ी बहुत। हां वो सेम है, वो बेसिकली बीपीटी से ही मिड पॉइंट थ्योरम आता है। अच्छा सर एक चीज तो रहेगी, हां अपने वर्कशीट के डाउट्स तो लिए, वर्कशीट के डाउट्स ले लेंगे, हां चल ले लेंगे। सर आपने वो क्या लिखा है क्यू मिड पॉइंट, अच्छा पॉइंट है क्या, हाँ हाँ लेंगे डाउट लेंगे, अभी चल मारो ले लेंगे वर्कशीट के डाउट। सर मुझे बहुत सारे डाउट है। हाँ ठीक है जगबीर, ले लेंगे। किसका? अच्छा सिस्टर लास्ट वाले बिल्कुल भी नहीं हो रही ना, आई वुड नाउ रिकमेंड, मैं डाउट्स ले लूंगा बट आई वुड नाउ रिकमेंड पॉलिटेक्स में दोबारा नहीं छूने वाला, सिलेबस में नहीं है। आपने नहीं, not at all, तो equal थोड़ी है, किसने का equal है? ये दोनों equal है, अगर ये दोनों equal है तो वो theorem कह रही है कि अगर ये दोनों equal है तो ये दोनों भी equal होंगे। ठीक है, it has nothing to say that अगर ये दोनों equal है, ये दोनों के बारे में तो कोई relationship ही नहीं बोलती मैंने, ऐसा कुछ नहीं। रेशियो बीपीटी कहती है एंड रेशियो इक्वल है मतलब मिड पॉइंट है तो वो भी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम बीपीटी से। सर मिड पॉइंट के बाद सर फिर एपी इक्वल्स टू बीपी हो जाएगा ना, एपी अगर इफ देखो इफ एपी इज इक्वल टू पीबी देन ये थ्योरम कहती है एक्यू इज इक्वल्स टू क्यूसी, सिंपल। अगर अगर मैं इफ अगर ये सर यस सर तो मतलब हमेशा वो इक्वल नहीं हो सकते हैं, AP और BP इक्वल नहीं हो सकते यार, वो तो कंस्ट्रक्शन से बनाई है मैंने, बनाई ही ऐसे गई है कि वो इक्वल है तभी क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा ये क्या कहती है, ये मिड पॉइंट इस थ्योरम से ही आया है, ये थ्योरम कहती है अगर एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, इसमें मैं रैंडमली कोई एक पॉइंट लूं, ठीक है, सच दैट ये डिवाइड करती है x इज टू y के रेशियो में, ठीक है, अगर मैं एक लाइन बनाऊं, ठीक है, p पॉइंट से एक लाइन बनाऊं अगर मैं q तक, तो ये लाइन भी डिवाइड होगी x इज टू y में, ठीक है। इफ ए बी इज डिवाइडेड इनटू इन द
रेशियो एक्स इज टू वाई बाय पॉइंट पी कॉमा पी क्यू पैरेलल टू बी सी देन ए सी इज डिवाइडेड इंटू एक्स इज टू वाई बाय क्यू बाय पॉइंट क्यू. ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने पॉइंट के फॉर्म में सिर्फ. समझ गए सब, नोट कर लो जल्दी से. बीपीटी ये कहती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. लिख लिया. ओके गुड सर, दोनों इक्वल सेम ही है, बस उसमें ये है ना कि रेशियो आ जाता है, उसमें ये है कि इक्वल वाला वर्ड आ जाता है. यप. प्रूव करें थ्योरम. एक मिनट. यस now that we know what BPT is, prove BPT. sir, prove midpoint theorem nahi hota kya tha? BPT kar loge prove to midpoint theorem bhi prove kar loge, same hi baat. okay sir. midpoint theorem ko MPT kehte hain. MPT kehte hain usko kya? midpoint theorem ko MPT kehte hain. matlab samjha nahi main. I don't know about this sir. जल्दी से पीपीटी प्रूफ करो. कर लिया? क्या बात है, लिख के कर प्रॉपर. हाँ तो नहीं, पीपीटी प्रूफ करा करो ना. तो समझ आ रहा है फिर? पी क्यू पैरेलल टू क्यू सी क्यों इक्वल नहीं है? 100% नहीं है. मैं कंफ्यूज नहीं, मैं बता रहा हूँ नहीं है. आप कंफ्यूज हो किसी कॉन्सेप्ट में, वो नहीं इक्वल होते. हाँ मतलब स्पेशल केसेस आर डिफरेंट. जनरल ट्रायंगल्स में नहीं होगा, आइसोसेलेस में भी होगा वो तो, बट स्पेशल केसेस में जनरल ट्रायंगल्स में नहीं इक्वल है वो. हाँ हाँ बनाई भैया, जल्दी करो. सर करवा दो प्रूफ बीपीटी. क्या बोल रहे हो सर? प्रूफ बीपीटी करवा दो बेटा, और सबको तो ट्राई करने दो. सर मैं खुद करने पहले सर थोड़ा सर सोलव करना. तभी तो वेट कर रहा हूँ, वरना एक्सक्यूज मी सर. बोलो सर, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता है ना सर, हम उसे थ्री थर्ड्स फॉर्मूला भी कहते हैं. अच्छा ओके ओके. हाँ नहीं पता है मुझे डिस्क्रिमिनेंट कहाँ से आ गया. अब ट्रायंगल, अब ये भी करना पड़ेगा कि जिस चैप्टर की बात कर रहे हो उसी कर दिए. चलो सर, ऐसा भी कुछ जरूर नहीं है. नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं, कर सकते आप. बट बीपीटी प्रूव करेंगे पहले सब. एक क्लू देता हूँ, क्लू दूं एक सर. हमें पैरेलल सर, मेरे को समझ नहीं आया सर ढंग से सर वापस समझाना सर. बीपीटी बीपीटी नहीं समझ आया. बीपीटी क्या कहती है कि अगर P एक पॉइंट लूं मैं AB पे एंड P X टू Y में डिवाइड करे, अगर AB को मान लो AB 5 सेंटीमीटर का था, अगर 5 सेंटीमीटर का वो 2:3 में डिवाइड करती है, मतलब 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर में डिवाइड करती है, तो अगर दूसरी साइड AC मेरी 10 सेंटीमीटर है तो वो भी सेम रेशियो में डिवाइड होगी, मतलब वो 4 और 4 सेंटीमीटर. पर मतलब थ्योरेटिकली तो मेरा सही आ रहा है, पर देखने में बहुत कुछ गलत आ रहा है. थ्योरेटिकली सही आ रहा है मतलब? मतलब जैसे मैंने ए बी एक बार चेक करते हैं. ए ओके क्या सर? व्हाट्सएप पे भेजो एक बार, चेक करते हैं क्या कर रहा है. सर अभी व्हाट्सएप नहीं एक्सेस कर सकता मैं, फोन नहीं है. अच्छा सर मैं ऐसे बता देता हूँ ना. नहीं, मैं ए बी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा समझने के. अच्छा ओके सर. हाँ अभी कर लेंगे, ट्राई करो जल्दी. एरिया यूज करो. सोच
हाँ तो ऑब्वियसली बेस तो ऑलरेडी है, बस हाइट बनानी पड़ेगी। सॉरी हो जाएगा, करो कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ आपके लिए कि आपको थोड़ा सा क्लू लगे क्या करना। सर सेम मेरे साथ हुआ सर। बोलो ये तो सर, जो एनसीईआरटी में आपने दिया सर हुआ है। जो आपने ये क्या है? अच्छा, समझ। बोलो। नहीं सर कोई डाउट नहीं है, वो आपने पूरा डायग्राम बनाया ना, समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, कंस्ट्रक्शन भी कर दी मैंने, अब तो सोचो। पर प्रूफ करना कैसे है, मतलब? प्रूव आपको करना क्या पता है? प्रूव आपको करना है कि एक्स अपॉन सॉरी एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये चीज मैंने सिमिलैरिटी से ला सकता हूँ। अच्छा सर, ये तो मैंने कर रखा है पहले। अच्छा हाँ तो करना है ना, वही करो दोबारा। सिमिलैरिटी में यही होता है ना, रेशियो इक्वल है तो रेशियो इक्वल यस होने के लिए दो ट्रायंगल होने चाहिए सिमिलर। कौन से ट्रायंगल होने चाहिए देखो और करो। बोलो। क्यू एक्स और पी एक्स। क्यू तो है, एक्स तो कुछ है, एक्स तो रेशियो है। हाँ सर, वो क्यू से जो लाइन जाएगी हाँ पी से लाइन जाएगी परपेंडिकुलर, तो सर हाँ वो इक्वल होगी? नहीं क्यों, क्या बेसिकली ए बी इज इक्वल्स टू एपी ए पी इक्वल टू ए क्यू? नहीं कहा, किसने कहा? क्यों गिवन है? नहीं गिवन। मिड पॉइंट से लाइन मेड फ्रॉम मिड पॉइंट तो है ही नहीं, बीपीटी कर रहे हैं। मिड पॉइंट तो है ही नहीं, तो कहा ही नहीं मिड पॉइंट है, बीपीटी है। तो लास्ट 2 मिनट्स। तो ट्रायंगल की वो साइड इक्वल नहीं है क्या? तो क्या? नहीं कुछ इक्वल नहीं है। हमें गिवन क्या? अरे कुछ इक्वल नहीं है, ये सर क्यों एक समझ तो गया? पॉइंट मिल गया कि एंगल है, एंगल है। ओ यार ऐसा करो, देखो ध्यान से देखो। सर मैंने ऐसे करा है कि एंगल बी हाँ को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो इंटरसेक्ट करेगा क्यू पे, और से एंगल सी को करेंगे तो यार, वो क्या पी पे एंगल पी करेगा। कौन सा है? सर एबीसी, एंगल एबीसी, पी एसीबी, एबीसी और पी एंगल एसीबी, ए बी सी और एसीबी को अगर हम बीच में से उनको डिवाइड करेंगे और लाइन खींचेंगे तो वो पी पे और क्यू पे मीट करेगा। किसने कहा? आपने डायग्राम में बनाया ना? नहीं मैंने तो कहा ही नहीं इक्वल है वो, अच्छा डिवाइड तो मैंने तो कहा ही नहीं इक्वल है कभी। अच्छा चलो देखो। ट्रायंगल ए पी क्यू, ठीक है ट्रायंगल ए पी क्यू की बात करते हैं। अगर ए पी क्यू की मैं बात करूं सो अच्छा एल्टीट्यूड को नाम देते हैं, नाम क्या दूं? डी दे, डी ई दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा ट्रायंगल ए पी क्यू का एरिया बताओ जल्दी से। हाफ इंटू बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है बेस सर? सर, बेस बी है सी सर ए ई क्यू, ए। अच्छा शांति बी सी शांति और ए ए पी ए शांति पी शांति शांति। देखिए चार ट्रायंगल ए पी ए पी क्यू, ठीक है। क्यू पी क्यू ए पी क्यू में ए पी ए पी सर इंटू, अगर ए पी बेस बेस होगा में, ए पी। सर हमें ए पी चाहिए ना, इसलिए ए पी लेंगे। पहले करने दो, पहले एपी ले लेते हैं, ठीक है। अगर एपी यस बेस सर। लिया तो हाइट डी क्यू बना है ना। सर
एक्स क्यों नहीं बनेगा सर? नेमिंग तो करी नहीं थी। अरे हाइट एक्स एक्स तो रेशियो है। अच्छा वो बी है अब। हाँ अब थोड़ा क्लियर है। अब बी क्यू बन जाएगा। डी क्यू तो डी क्यू हाफ इनटू एपी इनटू डी क्यू आल्सो आल्सो एरिया ट्रायंगल ऐसे लिखते हैं इसको एरिया ट्रायंगल आल्सो एरिया ट्रायंगल एपीक्यू इज इक्वल टू हाफ इनटू एक्यू इनटू अब हाइट क्या होगी अगर एक्यू लूं तो पी है ना हाँ ना यस सर चलो 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 अब देखते हैं एरिया ट्रायंगल किसका एरिया ले बड़े वाला ट्रायंगल का लेते हैं एबीसी एरिया ट्रायंगल एबीसी अगर मैं एरिया ट्रायंगल एबीसी की बात करूं तो इज इक्वल टू व्हाट हाफ हाफ इनटू एसी इनटू पी बीसी क्या बीसी क्यों सर सर आपने कहा ना बड़े वाले ट्रायंगल की करेंगे बड़े तो वाले ट्रायंगल को देखेंगे ठीक है तो, बड़े वाले ट्रायंगल में बेस ये है तो हाइट तो यही होगी ना 90 डिग्री तो यही है और कहीं है ना हाइट तो सर हम डी क्यू नहीं ले सकते इसमें किसमें सर इस वाले केस सर परफेक्ट तो सर सही ट्रायंगल सर एसी भी होना चाहिए सर ना कि सर एबीसी एक सेकंड चांस एक एक करके पूछेंगे सबसे पहले तन्मय बोलो क्यों कंस्ट्रक्शन मैंने कब करने बोला मतलब मैंने कब बोला कि ये कंस्ट्रक्शन करनी है उसका तो रेलेवेंस ही नहीं है इसका तो रेलेवेंस है अभी देखोगे रेलेवेंस क्या है अच्छा एनीवेज हां देवान जब आप बोलो सर हाइट क्या थी सर इसकी एसी हाइट मतलब... मैंने बोली पी है इसकी हाइट सर हम अच्छा फिर ठीक है सकते हाइट फिर हम इसमें डी क्यू नहीं ले सकते हाइट क्या लेते हैं डी क्यू यस डी क्यू हाइट नहीं है ना यार ये 90 थोड़ी है किसने का हाँ सर इसे ये बात तो है सही बात है मैं पहले यही बोलने जा रहा था। Thank God somebody noticed. सर मैं पहले यही बोलने वाला था तो हम ट्रायंगल की क्या बात कर रहे हैं ACB एरिया ट्रायंगल ध्यान से देखेंगे एरिया ट्रायंगल ए पी सी अच्छा ए पी सी ठीक है डाउट क्लियर जिनको डाउट नहीं है उनको क्लियर क्या गलत कर रहा था क्या मैं इतनी देर से ट्रायंगल एबीसी सोच रहा था तो डाउट आ रहे थे एबीसी हां तो एबीसी okay. लेकिन जरूरत नहीं है ना उसकी जरूरत ही नहीं है कोई फायदा क्या होगा ये बताओ हाइट बन जाएगी लेकिन उस एरिया का फायदा क्या होगा इस एरिया का फायदा है रेशियो निकालने का अभी देखेंगे क्या होता है इस ट्रायंगल में समझ आया ठीक है अच्छा अब इसी ट्रायंगल का इस ट्रायंगल का जैसे ये एरिया है तो अब बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल की इस ट्रायंगल की बात करते हैं इस ट्रायंगल में क्या होगा एरिया मैं बताऊं एक सेकंड रुको एरिया ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ए ए बी क्यू इज इक्वल टू हाफ इनटू सर मैं बताऊं इनटू इनटू सर डी क्यू हाँ एक ही बात है क्यू डी एक डी क्यू एक ही बात ये क्लियर है अब सोचो थोड़ा अब एक बहुत मजेदार चीज दिया और रेशियो किसका निकालना है एपी बाय पीबी एपी दिख रहा है मुझे पीबी दिख रहा है क्या मुझे पीबी नहीं दिख रहा ना अच्छा इन दोनों ट्रायंगल में एक एरिया कॉमन है जो है ये एरिया है ना इन दोनों ट्रायंगल में अगर मैं दोबारा से आप लिख के ट्रायंगल बना दूं दोबारा बनाता हूँ ठीक है ये मेरे पास ट्रायंगल है ठीक है एंड इसमें फॉर एग्जांपल मैंने क्या बनाया ये और ये ट्रायंगल बना की बात कर रहा हूँ ठीक है दिस होल ट्रायंगल मार्क
दिस होल ट्रायंगल एंड दिस होल ट्रायंगल, ठीक है? इसमें कॉमन क्या है? ये वाला ट्रायंगल कॉमन है ना? तीन क्लूज दिया है मैंने, अब सोचेंगे सब इससे क्या फायदा होगा। जल्दी सर, इससे एक्स निकल जाएगा। एक्स वाई नहीं, एक्स वाई तो छोड़ दो, अब भूल जाओ एक्स वाई को, इसके हिसाब से करो। हाँ कर देता हूँ, ए बी सी पी क्यू, आपने क्वेश्चन क्या, मैंने इतना कर दिया है, आगे क्या फायदा होगा? आपको बस रेशियो निकालना है, हम सब कुछ कर चुके हैं, अब बस इन चीजों को इक्वेट करना है और निकालना है, वो उसमें दिमाग लगाने की कोशिश करो बस। आई वॉन्ट टू सी कितना लगता है आपका दिमाग, इतना ही करना है इस क्वेश्चन में, आगे कुछ नहीं करना है, इसी को यूज करके अब रेशियो निकालना है। सर जो पी है वो मिड पॉइंट है क्या? मिड पॉइंट है पी? नहीं यार, मिड पॉइंट नहीं है। समझ आया किसी को? नहीं आया, चलो करते हैं। एक सेकंड के लिए सब कुछ भूल जाते हैं, ठीक है? दोबारा पूरा करेंगे एंड इस बार सीधा करेंगे, जैसे आप घूमो ना, ठीक है? नो मोर गेसिंग गेम्स और एनीथिंग। अब मैं एक बार सीधा सीधा कराऊंगा, समझ के देखना, ध्यान से सुनना सब, ठीक है? अच्छा, ए बी सी, मान लो इसे मैं डी ई लूं, ठीक है? एंड सर वो ओ हो गया। ओके सॉरी, एक सेकंड, आपने वो इंक टू शेप लगा सर, इसलिए हो रहा है। हाँ, वो हटा देता हूँ। अच्छा एक सेकेंड, हाँ यार, हाँ, सो दिस इज ए बी सी डी ई एंड परपेंडिकुलर्स मैंने बनाए एन एंड एम, ठीक है? 90 डिग्री 90 डिग्री, ओके इतना क्लियर है। अच्छा अब बात करते हैं सबसे पहले तो ट्रायंगल ए डी ई की, ठीक है? ए डी ई इज हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, ओके? ट्रायंगल ए डी ई एरिया, सॉरी एरिया ट्रायंगल ए डी इज दिस, एरिया ट्रायंगल ए डी ई दोबारा से इज इक्वल टू, अच्छा इसको छोड़ते हैं, पहले बी डी निकाल लेते हैं, मैंने डॉटेड लाइंस भी बनाई, सॉरी। इस वाले ट्रायंगल के एरिया की बात करते हैं, बेसिकली जो कि मैंने कहा था, इन दोनों के एरिया अगर है, ठीक है, इन दोनों के एरिया था तो ये छोटे वाले ट्रायंगल्स कंसीडर करने हैं लास्ट में जब हम ऐसे कर रहे थे, ये दोनों की बात करते हैं, पहला ये एंड दूसरे कलर से बनाता हूँ ढंग से दिखेगा, दूसरा ये, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करते, ठीक है? समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। क्या? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बेटा कराने तो दो, तब तो समझ आएगा, अभी तो करा ही नहीं है, पहले इसको करने तो दो। अच्छा ऐसा करो आप, पहले एकदम तेजी से लिख, क्या फिर एक बार आप पूरा ढंग से अच्छे से पहले पूरा लिख। हाँ वही तो लिख रहे, वही लिख रहे, प्रॉपर वही लिख रहे, इतना तो क्लियर है ना, इतने में कोई डाउट नहीं है, सब कुछ पहले का भूल के इतना लिख रहे हो, इतना समझ आया सबको? हाँ सर इतना तो आ गया। इतना आया yes, sir. पक्का, ठीक है। इसके बाद एरिया ट्रायंगल बी डी ई मतलब कौन सा ट्रायंगल? ये जो पहले मार्क करा मैंने, ये ट्रायंगल, ठीक है?
क्लियर है? इसका एरिया कितना होगा सर? मैं बताऊं कितना होगा? मैं बताऊं, हाफ इनटू बीई इनटू सर मिड पॉइंट तो है नहीं, बीई का कोई मिड पॉइंट मतलब मिड पॉइंट की क्या तो होता है एरिया, हाफ इनटू बीडी इनटू डीई सीई सीडी पर सर आपने तो बोला ना कि एंगल बी सर आपने ट्रायंगल बीडीई लिया है ना? हाँ यस सर। तो सीडी कहाँ से आ? सर सी कैसे आ गया उसमें? अच्छा मार्क गलत कर रखा है, रुको यार ये सॉरी, वही बोल रहा था कि मिड में नहीं आ रहा, उल्टी साइड कर रखे हैं हमने मार्क, बट फर्क नहीं पड़ता उससे। एनीवेज बीडी ध्यान से देखो कौन सा है, बीडी है ना, सीडी की एरिया बताओ, सोचो एक बार सर। हाफ देखो, ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को, ध्यान से देखेंगे, इतना डिफिकल्ट क्यों बना रहे हो यार? ये देखो, अगर मेरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है तो एरिया बनाने के लिए मुझे बाहर में ले जाना पड़ता है 90 डिग्री, याद है बचपन में पढ़ा था कि अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री बननी है तो बाहर बनाना पड़ेगा। तो इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की 90 डिग्री यहाँ पे बन रही है ना? देखिए अब देखिए सबको, हाफ इंटू डी बी इंटू एनी सर, अब समझ में आ गया, समझ आया ना अब? yes, अगर देखो yes, sir, yes, यहाँ पे एन है, ये ई है, ये डी है, ये बी है, ठीक है? तो इस एरिया निकालना, अगर मुझे इस ट्रायंगल कैसे निकालूंगा, हाफ इनटू डीबी इनटू एनी, वही तो लिखा है मैंने, विजुलाइज करो, विजुलाइज करो, ठीक है? अच्छा ये बात क्लियर है, इतना क्लियर है, कोई डाउट नहीं आता किसी को? इसी तरीके से एरिया ट्रायंगल डीईसी, डीसी निकालते हैं, हाफ इनटू ईसी इनटू एमडी, वेरी गुड, ठीक है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है? हाइट दूर है इसलिए काफी लोग विजुलाइज नहीं कर पाते, मुझे पता है, इसलिए मैंने क्लियरली अलग से डायग्राम बना के दिखाया, ये वाला ये दूर है वो, इसीलिए नहीं समझ आ रहा, ठीक है? क्लियर है सबको इतना? अच्छा अब एरिया ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल डी ई सी, बताओ क्यों? सर दोनों की सर हाइट सेम है? नहीं नहीं, हाइट सेम नहीं है, पहली बात सर एंगल सेम है, एंड एर सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल नहीं होता, ऐसा किसी ने नहीं कहा। ओके सर, सिमिलर ट्रायंगल्स या फिर सिमिलर एंगल, एक नंबर दूंगा टेस्ट में, जो भी बताएगा सही इसका आंसर। सर कौन से टेस्ट में? सर 2 मिनट रुक जाओ, कौन से टेस्ट की बात है? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक, ट्राई करता हूं सर। सोचो, You have 10 seconds. सर सर क्या बोलना था? सर क्या बोलना था? 9 सर क्या बोल रहा था? ये दोनों का एरिया इक्वल क्यों है? 8 7 6 सर मैं बताऊं? बोलो सर, ए बी का जो सर बोलो 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 अर्धन सर, ई बी और डी सी सेम है और सर सेम बेस पे है सर, सर डी ई सेम नहीं, है नहीं नहीं, बस शांति खत्म, सर बेस सेम है, शांति। कोरस्पोंडिंग सर, कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम बेस। सर अभी तो बोला मैं सेम बेस, बोला देख पहले पूरा देख, सेम बेस एंड सर आधा नंबर तो बनता है, बिटवीन नहीं मिलेगा ना उससे कुछ, पैरेलल लाइंस बेटा पढ़ा था बचपन में, ट्रू ट्रायंगल बिटवीन विद द सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल एरिया। सर क्वेश्चन में तो नहीं बोला ना कि वो डी ई और बी सी पैरेलल है? ओ यार, yes, ये बनाया ही यही है यार, कैसी बातें कर रहे हो? सर पैरेलल नहीं बोला,
सर बोला नहीं गया था पैरेलल, आपने कहा था कि अगर 90 डिग्री दिख रहा है पर लिखा नहीं है 90 डिग्री तो मानना नहीं है। अब शांति, ये क्या लिखा है बड़ा बड़ा? बीपीटी कहती क्या है कि अगर पी सॉरी बीपीटी कहाँ लिखा है मैंने, हाँ बीपीटी कहती क्या है कि अगर ए बी डिवाइड होता है एक्स वाई में और पी क्यू पैरेलल बी सी है तो एक्स इज इक्वल टू वाई में ही डिवाइड होता है, ये तो गिवन है। गिवन ठीक है तो हाफ हाफ कट गए, डी बी अपॉन एम डी इज इक्वल टू E C upon N E, okay? Clear है? हो गया proof. अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ, सबर, ठीक है? ये clear है? अच्छा, अब मुझे दो चीजें जो चाहिए थी, D कहाँ गया? D B चाहिए ना इसमें? नाम change करे तो ठीक है। मुझे D B और E C तो मिल गए ऊपर, D B E C तो मिल गए, ठीक है? अब चाहिए क्या मुझे? A D और A E. अच्छा मुझे पता है कि इसका एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू एडी इंटू एन इज इक्वल टू हाफ इंटू ए ई इंटू एन एम डी, ये भी पता है मुझे, है ना? एम ये है, डी है, रुको ये हटाता हूँ ज्यादा कंफ्यूजन ना हो जाए, है ना? एम डी इंटू एन डी, ये तो हमने पहले ही लास्ट अभी करा था, क्लियर है ना? तो यहाँ से मैं अगर ई एन, अच्छा यहाँ से लिख देता हूँ फिर, इज इक्वल टू AD becomes AD into EN is equals to AE into MD, है ना? अच्छा, तो अब यहाँ पे मैं value substitute कर दूँ अगर, तो AD upon, सर ये क्या हो रहा है? MD equal to AC upon EN, ठीक है? इसके साथ ही तो खेला है, इन दोनों का equal कर, आपने दूसरा ले लिया, AD EN और AE MD तो लिया है, अच्छा AE, ठीक है अच्छा अब इसको देखो वन एंड इसको देखो टू, सर एक डाउट है, हम ये कह सकते हैं कि DB is equal to DB upon MD की जगह, अगर मैं MD की जगह मैं क्या लिखूं, MD की जगह मैंने लिख दिया AD, ठीक है? MD की जगह मैंने क्या लिख दिया AD, ओ सॉरी हाँ EN, एंड मैंने EC NE की जगह क्या लिखा इस रेशियो से AC, सर डाउट है, रेशियो बराबर है ना? सर डाउट है सर MD की जगह हम AD कैसे लिख सकते हैं, वो तो डिवाइड है ना? अरे ये देखो ना, ये अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बनेगा? अच्छा ऐसा करते हैं, इन दोनों के एरिया को डिवाइड करते, इतनी मेहनत करी क्यों रहे हो, इतनी मेहनत से अच्छा है सर एक बार ऊपर वाला तो दिख, भूल जाओ, एक और अच्छा तरीका करते हैं सर, कितनी बार भूले बेटा, जो आसान से सबसे आसान तरीका लेगा तो सर क्या प्रमोट से कर ले। अच्छा एरिया ये करते हैं बीडीई, ठीक है, डिवाइडेड काटने है क्या सर? बीडीसी लिखा आपने, बीडीई को मिस हो गया वो स्ट्रोक, अच्छा डिवाइडेड बाय एरिया ADE, अच्छा मैंने निकाला क्या, इसका एरिया निकाला मैंने, BD का निकाला हाफ इंटू BD इंटू NE, ठीक है, एंड एरिया ADE क्या निकाला मैंने, हाफ इंटू ऊपर से देखते हैं हाफ इंटू AE इंटू MD, है ना? अच्छा मुझे ये देखो, मैंने किस पहले वाला लिखा क्या है, मैंने पहले DB वाला लिखा है तो पहले AD वाला लिखते हैं, ठीक है, ये वाला लिख लेते हैं, तो AD into EN, ठीक है, EN कट गए, हाफ हाफ कट गए, BD upon AD आया, this is also equal to area BD की जगह हम यहाँ पे area DC भी equal था, तो half into EC into MD divided by half into दूसरा वाला एरिया लेते हैं AE into MD, है ना, तो half into AE into MD, 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 फिर कट गए हाफ हाफ फिट कर गए, तो EC upon AE, अब तो आ गया BD,
अपॉन ए डी एंड इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए सी. ठीक है ठीक है. तो हमने रिवाइज करने के लिए करा क्या, पहले हमने सिंपली एक ट्रायंगल, ठीक है, पहले हमने क्या करा, इस ट्रायंगल का ऊपर वाले छोटे ट्रायंगल का एरिया निकाला एंड उसके दो तरीके से एरिया निकाले एंड वो दोनों लिख लिए. फिर हमने नीचे वाले इन दो छोटों का एरिया निकाला, ठीक है, एंड उन दोनों का एरिया लिख लिया. एंड क्योंकि वो बिटवीन पैरेलल लाइंस और सेम बेस थी, सेम बेस क्या है, डी सेम बेस था, इसीलिए वो दोनों इक्वल थे एंड देन हमने सिंपली उसे डिवाइड कर दिया. ठीक है, इसमें टाइम क्यों लगा, क्योंकि आपको कंस्ट्रक्शन नहीं समझ आई, क्योंकि आपको एरिया कैसे निकलता है ये नहीं पता था. तो बेसिकली पुरानी ज्योमेट्री हमारे नए ज्योमेट्री को खराब कर दी. तो पहले पुरानी बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी. ठीक है, रिपीट द लास्ट पार्ट. हमने क्या करना था, हमने इन दोनों का रेशियो निकालना था बी डी और ए डी का. तो मैंने जिसमें बी डी और ए डी आ रहे थे उन दोनों को एरियाज को डिवाइड कर दिया एंड हमें पता है एरिया बी डी इक्वल टू एरिया डी सी, तो उसका भी एरिया लिख लिया एंड ए डी के तो दो एरिया हमने निकाले ही थे वो दोनों लिख लिए, इससे मेरे पे रेशियो आ गई. ओके क्लियर है, नोट करो, नोट मत करो, खुद करो, खुद करो. इतना नोट करने से सर सकल तक हो जाएगा क्या बोल